और कुछ नहीं कि मैं रात के वक्त एक मेडिकल स्टोर पे दवा लेने के लिए गया। मैंने दवा ली, मैं बाहर आया तो बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड बाबा थे, 70-72 साल उनकी उम्र होगी, वो एक रोटी खा रहे थे जो बहुत ही सख्त थी, जो कि मुझे दिखाई दे रहा था कि जोर लग रहा है टूटने में। तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा चाचा जी इतनी रात नु तुसी इतनी सख्त रोटी खा रहे हो? कहते ने बेटा सुबह सुबह घर खाता हूँ, फिर रात को लेट कहीं ये रोटी खाता हूँ। मैं कहा दोपहर को क्यों नहीं खाते, ये खाना नहीं देते? कहते नहीं नहीं बेटा 50 रुपये देंदे ने, लेकिन ये अमीरों का इलाका है, यहाँ कोई ऐसा होटल ही नहीं जहाँ से कम पैसों में खाना। तो मेरी आप सब लोगों से ये दरख्वास्त है, आप खुद तो 25-25 हज़ार की स्टेक है ना, साथ सेल्फियां भी, पहला स्टेक दी बना के फिर तो रिस्क मेरे अल्लाह ताला ने आप लोगों तक पहुंचाया है, अब आगे आप जखीरा कर लेते हैं अपने गोदामों में या लोगों में बांटते हैं, ये आप पर है। जन्नत और दोजख, इतनी मुश्किल तफरीक नहीं है इन दोनों में, बस इंसानियत का ख्याल रखें तो जन्नत का रास्ता हो सकता है कि आपके लिए आसान हो जाए। मजाक राज में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुशामदीद। कम ऑन चेहरा, मेरे इस दोस्त को इज्जत एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात, माशाल्लाह। गली च कनात लगी सी, आंदी वारी कुर्ता बनवा के तैनू निकल आए। कनात लगी हुंदी ते तुसी दोवें उत्थे नच रहे हुंदे। यार तुहानू तंबू लग रहा है? लग रहा है, मैं भी इत्थों वैसे लगते रहे हैं। नहीं 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 नहीं, तंबू नहीं लग रहा, आइसक्रीम का कवर लग रहा। महंगी दुकान तो सौदा लाओ ना, तो यहो जे शापर च पा के देंदे ने। ਤੁਸੀਂ ਲਕੀਰਾਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਆ ਬੈਠਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੰਜ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਅੱਜ। ਇਹ ਹੋ ਜਾ ਕੈਦੀ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਵੀ ਕੇਕ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਲਿਟ ਕਰਾਉਂਗਾ ਨਾ, ਆਪਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਟਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਕਿ ਜੁਰਮ ਚ ਆਇਆ? ਯਾਰ ਸੱਸ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। जुराबां दे तितली बैठी। बड़ी गल है, जुराबां माली ने गिफ्ट की। हाँ नहीं रहने सरदार साहब, आपके चेहरे की जो मासूमियत है कुदरत की तरफ से होती है। यहो जा बुढ़ा शेर गार च बह के रस खान दे। वो तो पूछो ना रस क्यों खा रहे हो, डॉक्टर ने परहेज ही खाना दसिया। और सावत वर्गा शेर दूजे शेरां नूं कह रहा हुंदा, ओए भाई जे रल के कुत्ते पए ने ते जान निकल जांदी है। हमारी आज की मेहमान मॉडल, ऐसी मॉडल जिसने वक्त ही बदल दिया, जिसे बहुत बड़ी तादाद में शुरू शुरू में क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त उस तरह की खास किस्म की मॉडल्स ही एक्सेप्ट होती थी हमारी इंडस्ट्री में। लेकिन ये लड़की जानती थी कि सोनी तो है। इन्होंने एक बाकायदा लड़ाई लड़ी इस बात की कि रंग कोई भी हो वो खूबसूरत होता है,
हुस्न किसी एक रंग पर मुनसर नहीं होता, हुस्न हुस्न होता है, वो तर्ज तर्ज का होता है, और ये भी एक तर्ज है और बहुत खूबसूरत तर्ज है। बहुत अच्छी अदाकारा, बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट की है जिनकी हम बात करेंगे आप सबकी तालियों में। आप गॉर्जियस ब्यूटीफुल आमना रियाज जी, ठीक है। टेंशन ना लो, इन दिया तारा जुड़ चुकी हैं। क्या बात है, वेलकम। बहुत ही अच्छी लग रही हैं आप, और फैशन से आपका ताल्लुक रहा है। रंगों का आपको ना पता हो कि कौन सा पहनना है ओढ़ना है, तो और किसे मालूम होगा। बताइए जरा रंग के लिए तालियां जरा। एक्चुअली पहली दफा आ रही थी ना मैं आपके शो में, तो मैंने कहा फिर कुछ अच्छा ही पहनना चाहिए, बहुत अच्छा, ये डिसअपॉइंटमेंट ना हो। हालांकि मैं आपसे अगर ये कहूं कि आपकी आंखें भी काफी थी अगर वो शो पे आ जाती, ये बाकी सब तो आपने वैसे ही जहमत की, जहमत की आप। चलो फिर इस गाने एक शेर भी याद आया सानू। अरे अच्छा जी, सस कुटनी सी सोरा कुटे आए, सस कुटनी सी सोरा कुटे आए, ए फुल ते किन्ने फुल सुटे आए। क्या बात है जी, मजाक रात की तरफ से, दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की तरफ से, और पाकिस्तानी सिल्वर स्क्रीन की तरफ से वेलकम। शेर आपको सुनाऊंगा। जब भी पूछा के इजहार नहीं हो सकता, दिल पुकारा के खबरदार नहीं हो सकता, जिससे पूछे तेरे बारे में यही कहता है खूबसूरत है वफादार नहीं हो सकता। इतनी इंफॉर्मेशन इन्हें कैसे मिल गई? आप वफादार नहीं है। मैंने कौन सा कोई अवार्ड लेना है वफादारी का? अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात, वाह वाह वाह, क्या बात की है। यानी कि वफादारी कोई इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। अरे नहीं नहीं भाई, मैं मजाक कर रही थी, ये फनी शो है, घर वाले भी देख रहे हैं और रिश्ते जिन्होंने भेजने हैं वो भी देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। आमना जी, आपने रिश्तों की बात की तो सिलसिला शुरू हो गया। ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਚੁੱਕੋ ਨਾ ਥੱਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੂੰਡ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ। ਫਰਿੱਜ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੀ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੁਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ। ਚਿੜੀ ਦਾ ਅੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਰਫ਼ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਬੂਟ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੈਬਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਫ਼ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਕੈਂਚੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੈਂਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਹੁੰਦੀ। गाने का शौक था, इनको एक जॉब ऑफर हुई, इन्होंने वो जॉब छोड़ दी। उन्होंने कहा आपने कंप्यूटर ऑपरेटर बैठना है, उन्होंने कहा मैं एक शर्त कंप्यूटर ऑपरेटर बैठांगा, तुसी कंप्यूटर एंड दियो। अभी बात इन्होंने की के वो शो सब नहीं देखना है, जो रिश्ते भेजते हैं उन्होंने भी देखना, दूसरे भी। कितने रिश्ते अभी तक आ चुके हैं आप? बहुत ज्यादा नहीं,
मैं चाहती थी कि 100-200 आए लेकिन कम है। ये तो आपके ख्वाबों का शहजादा, उसकी तस्वीर क्या है? चले रहने देना बताएं। लकीरां वाला कुर्ता पाया होवे ते जदों व्याह होण आवे नाल ड्रिप लगी होवे बाजे वाले दी बजाय नाल डॉक्टर टुरे होण सलामीए च सिरप हो रहे होण। लोगों की बातों से क्या होता है, बात तो आपके दिल की है ना। अच्छा आपने कहा कि रिश्ते आए थे, उनको रिजेक्ट करने की क्या रीजन बनी? हाँ। नहीं नहीं रिजेक्ट तो क्या कोई किसी को करेगा। 100 से कम कितने थे? नहीं नहीं 2-4 यार, क्या हो गया। और मोहब्बत का इजहार कितने लोगों ने किया आज तक? 10-12 तो होंगे। अब 13 कर ले। दस बारह लोगों में कभी ऐसे हालात बने कि आप किसी को हाँ नहीं कह सकती हालात के मारे, लेकिन दिल चाह रहा है कि इसको हाँ कह दिया जाए? नहीं ऐसा नहीं है, अगर दिल वाकई चाहेगा किसी को हाँ करने का तो उसका हालात से क्या लेना देना। हालात कोई भी हो, हालात तो फिर कोई भी हो, प्यार किया तो डरना क्या, जब दिल लग गया तो लग गया। ये कमबख्त दिल ही तो नहीं लगता कहीं। अच्छा नहीं थोड़ी थोड़ी देर के लिए भी नहीं लगता। Amna, welcome to the show. Thank you very much for coming and I hope you are having a good time. I'm having a blast. कैसी हैं आप? कैसा रहा सफर कराची से लाहौर तक का? शुक्रिया आप खास तौर पे आईं। Thank you so much. Thank you for having me. सबसे पहले it's an honor to be here. Honestly, ये मेरा favorite show है और बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ आई हूँ। I think आप लोग इतना अच्छा show करते हैं, इतना हंसाते हैं, it's crazy. मेरे तो अभी से ही मेरी दाढ़ी दर्द कर रही है। But I'm very, very happy to be here in the first place. Thank you. दूसरा सवाल था आपका कि मेरी फ्लाइट कैसी थी? हाँ, फ्लाइट वो सबसे जरूरी सवाल है। भाई आजकल मौसम बड़ा खराब है तो बहुत टर्बुलेंस थी फ्लाइट में। आप डरी? मतलब उड़ते साथ ही टर्बुलेंस होना शुरू हो गई ना। सो यार डरी, थोड़ा सा डरी, वैसे मैं डरती नहीं हूँ लेकिन आज बहुत ज्यादा थी। किस चीज से डरती? जहाज वाइब्रेशन पे लाया उन्होंने। ना तो कुछ ऐसा ही रहा था वैसे। आपको वैसे जिंदगी में जी किस चीज से डर लगता है? मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। क्यूट। और मैं हॉरर मूवीज बहुत देखती हूँ और उसके बाद भी मुझे बहुत डर लगता है लेकिन मुझे देखने में मजा बहुत आता है। आप हॉरर मूवीज देखती हैं? जी। तो आपने इनको पहचाने नहीं? इविल डेड में लाश का रोल इन्होंने तो किया। और टॉम क्रूज सही कह रहे हैं। शुरू से अदाकारा बनने का शौक था आपको? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मुझे एक वक्त याद है मेरी और आपकी मुलाकातें तब से हैं जब आप मॉडल थी। सुबह 10 बजे जाते हैं और रात को 12 बजे आते हैं। कहती हैं कितने महीने में ड्रामा खत्म हो जाता है? मैंने कहा 6 महीने में। कहती तौबा 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 तौबा, मैं तो सारी जिंदगी ना करूं। उसके बाद ऐसी एक्टिंग शुरू की ऐसी एक्टिंग शुरू की, ना सिर्फ पाकिस्तान में दाद समेटी, इंटरनेशनल लेवल पे भी दाद समेटी। जिंदा भाग आपके पास कैसे आई ये हम जानेंगे, लेकिन जानती है कब? ब्रेक के बाद। कितनी समझदार है। तो फिर आज आप जी मैं लूं ब्रेक। आप लेंगे? नहीं मतलब आप चेक भी दे दें फिर मुझे अपना आधा दे देंगे। अरे आप प्लॉट कहती हैं आपने चेक। तो हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। मैं हूँ मज़ाकरात में और मेरे साथ है इमरान अशरफ। आज मैं 2 मिनट के लिए सिर्फ शो की होस्ट हूँ इस ब्रेक के लिए। सी यू गाइस। देखते रहिए। वेलकम बैक टू मज़ाकरात। ब्रेक हमने जिस बात पर ली थी वो ये थी कि जिंदा भाग आप तक कैसे पहुंची और जो लड़की एक्टिंग से डरती थी उसे, मुझे जहां तक लगता है आजकल आप एक्टिंग से इश्क कर बैठी हैं। क्या ये बात सच है या गलत है? ये कहना ठीक होगा जी। तो मैंने इसीलिए कह दिया। तो बताइए जिंदा भाग तक आप भागते भागते पहुंची या स्क्रिप्ट भागते भागते आप तक आया? लकीली मेरे करियर में मुझे फिल्में मैंने ज्यादा की हैं मोर देन टेलीविजन। जो मेरी पहली 3 फिल्में थी वो मुझे ऑडिशन बेस्ड ही मिली थी। अच्छा। आई स्टिल रिमेम्बर कि मैंने क्योंकि जिंदा भाग में बहुत गर्ल नेक्स्ट डोर का कैरेक्टर था तो उन्होंने मेरा स्काइप पे उस ऑडिशन किया। ऑडिशन लिया। अच्छा।
तो मैंने एक कुर्ता सा पहना है, गले में दुपट्टा डाला और ऐसे बाल चोटी बना के लटका के, यू नो, जस्ट टू गेट इनटू द लिटिल कैरेक्टर जो उन्होंने मुझे सीन्स भेजे थे, और मैंने किया एंड इमीडिएटली दे सेड यस. सो आई वाज लकी इनफ टू. आपको उसका सीन्स याद है आपको उसके? हाँ, एक डायलॉग याद है. अरे तो फिर उठ के सामने वाले कैमरे में पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, जरा एक बार जरा डायलॉग. पता है हाथ में कितने जरासीम होते हैं? 4,742. मेरा वाला साबुन यूज करोगे ना तो पेट भी सही रहेगा और दिमाग भी. कैसे किरदार में ढलती है एक मॉडल जिसका काम मॉडलिंग बहुत मुश्किल काम है जी, और आप जिद्दत लाई है इस काम में, आपने एक जंग लड़ी है बाकायदा, जो एक कलरिज्म की लड़ाई थी, आप उसकी एक मेन सिपाही हैं, आप मेरे ख्याल पहली वो मॉडल थी जो आई थिंक समबडी फर्स्ट इन पाकिस्तान जिसने इस बारे में इस इशू बात की. मैं कह रहा हूं उसके बाद नतीजा ये निकला कि आप पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड बेस्ट मॉडल का भी जीत गए, और इस जंग में इंडस्ट्री से कितने फीसद लोगों ने आपका साथ दिया और बैकलैश कितना था, क्योंकि आप एक नॉर्म तोड़ने जा रही थी. देखिए, गोरा कॉम्प्लेक्स तो हमारे इंडस्ट्री में है ही, आपको पता है. जब भी कास्टिंग के बारे में बात आती है, इट्स नॉट जस्ट कि ये लड़कियों के लिए, ये लड़कों के लिए भी है. अच्छा. कि यू नो, गोरा चिट्टा लड़का होना चाहिए, भूरी आंखें हों, इसको हीरो कास्ट कर लो, यू नो. हाँ, एक कन्वेंशनल एक ब्यूटी स्टैंडर्ड है दुनिया भर में. आई थिंक अब काफ़ी हद तक चेंज हो गया. सो आई थिंक जब भी कास्टिंग की बात आती है तो ये बात तो आती है. हाँ. कि लड़की जो है ना, अभी भी आती है मुझे लगता है, बिल्कुल. तो आप तो अब पाकिस्तान की फिल्म की हीरोइन है, आप पाकिस्तान की टॉप नंबर वन मॉडल भी रही हैं. मुझे रोल इसलिए मिलते हैं क्योंकि मैं आमना इलियास हूं. अब मुझे रोल इसलिए नहीं मिलते कि मैं सांवली हूं या मैं प्यारी हूं या मैं क्या बात है गोंद शतीरा. मैडम, दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो आपके लिए हर हद तक जा सकता है. अच्छा. और वो खुद आप हैं. आए, यकीन करें मैं तो आपका फैन हूँ. माशाल्लाह जितनी खूबसूरत आपकी हाइट है, मुझे गाड़ी भी ओपन एयर लेनी पड़ेगी. ये ना कह देना कि आप तारे साफ कर लेती हैं, आप पंखा साफ कर लेती हैं, पुरानी हो चुकी है. सब कुछ मैं खुद साफ करूंगा. आई एम सॉरी, आप सिर्फ मेरे लिए अपना दिल साफ करो. तुसी ना इहदे नालों तारा ही साफ कर लो. मैडम माशाल्लाह प्यारे हैं आप, मैं भी कोई कम नहीं. मेरे लिए भी माशाल्लाह रिश्ते आ रहे हैं, लड़की वाले देखने आ रहे हैं मुझे बार बार. रिश्ता देखने वाले आए, इन्हां दी वालदा मोहतरमा ने क्या मुंडा वेख्या, कहते भैन असी वेख लिया, हूँ किसी डॉक्टर नूं बखाओ. सच में मैडम, क्या क्या चीजें आपको दरकार है? खावन में इंसान होना जरूरी है. इहदा मतलब तुसी तिन्ने ही रिजेक्ट हो. मैं अपनी बात करूं, क्या क्या बताए, ऊपर से लेके नीचे तक देखा है आपने. और पल के झपके बगैर आपके लिए ताली. जो कुछ भी ये है वो ना हो. सब आप ये बता रही हैं कि ऐसा ना हो, कैसा हो, ये क्यों नहीं बता रही? कैसा होना चाहिए? बस इसका जो ऑपोजिट है वो समझ लें तो. नहीं, आप कुछ बताएं, आंखें कैसी हो, बाल कैसे हो. बाल हो. नहीं, बाल हो, बाल तो है. टोपी पाला, टोपी हो, टोपी पाला तो सफाई ना आ गया है. अच्छा, आपकी इनकम कितनी है? की बात पे आए, बाकी सारी चीजें छोड़े ना. समय स्मार्ट गर्ल. 15 लाख रुपया. नहीं नहीं, रहने दे आप. अच्छा वैसे आप आमना क्या चाहती हैं? लड़का कितना कमाता हो महीने का? बेपहा पैसा हो उसके पास. यानी कि इतना पैसा हो कि हिसाब ही नहीं है. हाँ, हिसाब ही ना हो. तुसी बिल गेट्स ना कर लो, बेचारे नूं टी बहुत हो गई. हाँ, कोई बिल गेट्स टाइप भी हो तो चलेगा. वैसे हेलो स्विस बैंक जी, मेरी जरा यार अमाउंट दसना कितनी रकम है. 6 महीने हो गए जमा कराए, गिनती हो रही जी अजे. अच्छा. आपू के ठीपे ने ना सारे.
रंगत गोरी सर ये मैंने कुछ लिखा है सर, गोरी रंगत कराची से खैबर तक दीवारें पड़े तो ऐसा लगता है कि जैसे गोरी रंगत ना होना हमारा कौमी मसला है। हम उस मुआशरे में रहते हैं जहां अंग्रेजी बोलने वाला तलीम याफ्ता समझा जाता है और गोरी रंगत होना खूबसूरती की अलामत समझा जाता है। आखिर क्यों क्यों मुझे इसमें मैंने एक खूबसूरत शेर लिखा है मैडम। अच्छा। आइंदा लेकिन नहीं ना कीजिएगा। क्यों ना करूं? अच्छा नहीं था। सच में मैडम मैंने कुछ लिखा है। जी जी। तितली कमल गुलाब की रंगत में पड़ गए। जाहर प्रस्त हम इसी आदत में पड़ गए। हम इसलिए भी और तरक्की न कर सके, हम रंग रूप जैसी जरूरत में पड़ गए। इस सोच ने जिंदगी कर दी मुश्किल भैया। अन्न स्वामी मृत स्वामी गोल गोपाल अय्या। आपकी शायरी काफी मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल है ना? बहुत ना। थैंक यू। मैं इंडिया फोटो लगी हुई थी थल्ले लिखा था बिला वजह दंगों में मारा गया। कल बारिश पई है तो इन्हां दी बेगम कहंदी के गैलरी चो रजाइयां कढ लो ते मोबाइल दी गैलरी खोल ली। मेरी कड़ी बेगम मैं शादी शुदा मैं मेरी कितों बेगम आ गई? आपकी शादी नहीं हुई? शादी नहीं हुई सरदार साहब वड्डी दुनिया। डॉक्टर नूं जाके कहंदे मैनूं साह दी बीमारी है और डॉक्टर कहंदा मैनूं रेगा मां पाव दी बीमारी है। मैनूं मरी टकरिया मैं किधर है कहंदा हनीमून मनाना है मैं भाभी कित्थे कहंदा खर्चा ज्यादा हो रहा सो लाहौर ही है। आज आप बहुत खुश हैं? नहीं यार वो खुशी की बात है हम ना ही आज ये मेरी अहम ख्वाहिशों में ख्वाहिश थी कि किस दिन तो आएंगी ना तो आ जाए। ए कुर्ता इन्हें दे आने ते पाना सी तुसे कैदी जेल च रहे ना सीनियर हो जाए तो यहो जे कपड़े पा के फिर रहे हम। यहो जे बुजुर्ग शेर ना अपनी कार बांदर नु किराए ते दे के आप दरख्त ते रह जाओ। ਔਰ ਹਨੀ ਵਰਗਾ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਨੱਚਦਾ ਨੱਚਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੰਕਰ ਉਹਨੂੰ ਡੋਲੇ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਾਅ ਜੀ ਬਾਂਦਰ ਕੋ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜ਼ੈਬਰਾ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਆਏ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਣੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਈਦ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇਹ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪਿੰਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਨਾ। आपकी पुरकशिश शख्सियत पे कुछ लिखा है मैंने। अरे इरशाद। पहले जैसी ही कशिश आज भी है। पहले जैसी ही कशिश आज भी है। कल जो थी उनकी रवश आज भी है। हम नहीं उनके दोस्तों में शुमार। दिल में फैसल ये खलश आज भी है। तू कहे तो दिल चीर के दिखा दूं नच बलिए के दुनिया चढ़ा दूं नच बलिए के दुनिया चढ़ा दूं नच बलिए आमना आपकी बहुत बोल्ड और आउटस्पोकन पर्सनालिटी है तो सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म भी आता होगा उसको कैसे हैंडल करते हैं? ऐसे ही हैंडल कर लेते हैं हंसते खेलते। कैसे? आई थिंक जब हम अपने आप को एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखते हैं तो ये तो ना एक्सपेक्ट करें कि हर वक्त ही हमें तारीफें ही बटोरेंगे। ऐसा तो नहीं होता। किसी ने ये भी बात की ये भी नई बात है। ये भी नई बात है। तो आई थिंक मैच्योरिटी यही है कि आप जवाब ही ना दें किसी का और आप अपनी जिंदगी जिए जो आपको ठीक लगता है आप वो करें जो उनको ठीक लगता है वो उनके लिए ठीक है।
कैसा किरदार निभाना चाह रही हैं? मुझे आई थिंक आई वांट टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स. मैं कोई, मेरी जो दिली ख्वाहिश है, मैं कोई ऑटोबायोग्राफी करना चाहती हूँ. अच्छा. कोई, हाँ, कोई बायोपिक किसी किसी फीमेल फिगर की. किसकी? यू नो आई वुड लव टू प्ले बेनज़ीर भुट्टो. आई वुड लव टू प्ले नसीबो लाल, यू नो. और मैं एक्शन फिल्म भी करना चाहती हूँ. कोई टूम रेडर टाइप हो ना. मतलब आप लोग छोटे छोटे. अच्छा, वैसे जिंदगी में कभी कुछ मार कटाई हुई कभी? जी जी बहुत. मुझे नाजुक समझ मत समझिए. नहीं, हम नहीं मानते आप सरदार साहब को मार के. नहीं, बाकी अरे नहीं, मैं नहीं, क्या हो गया? ऐसी बात नहीं, अगर वो मारना चाहती तो मार दे. नहीं, आप हाथ लगवाना चाहते हो पहले? और देखा ना, और हरी वर्ग का शेर बांदर रू कह रहा था यार, कि तो वाल चढ़ जी दुआई मिले तो दस. एक्शन फिल्म करना चाहती हूँ. चले, हम हाँ. कास्टिंग करते हैं. डायरेक्टर कौन होना चाहिए? आई थिंक एहसन रहीम. अच्छा, ओके. अच्छा, ओके okay, okay. और हीरो आपका? हीरो आप? अरे मैं सही बताए ना? नहीं नहीं, आप क्यों नहीं, ठीक सही बता रही हूँ. अच्छा, और विलन? ये बैठे तीन खून दे प्यासे. सर्कस दे शेर दे, इन्होंने शेर की तो बुरा बनाए देने. वो कादे शेर आ, एडमा करके गोश्त मिलता है. आमना इलियास को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या लगती है? जब आप कभी अकेले में होती है तो इंसान खुद को भी दाद देता है. अच्छा, शीशा देख के खुद के हुस्न की तारीफ करती है? नहीं, कभी नहीं. आप खुद की अपीयरेंस को पसंद करती हैं? ऑफ कोर्स, आई थिंक मुझे मेरी अपीयरेंस से ज्यादा मुझे मेरी पर्सनालिटी पसंद है. आईड से बहुत बुरी बात है अपने मुंह से अपनी तारीफ. नहीं नहीं, अपना अपना अपने नैन नक्श में से सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज क्या है आपकी? मेरी नाक. आंखें? आंखें. नहीं नहीं, नाक. मेरी नाक. नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपका हर नैन नक्श एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट. अच्छा, मैंने एक बात नोट की है, बाकी सब तारीफ करें तो आप हंसती है, मैं करूं तो शर्मा जाती. ये क्या चक्कर है? आपने हीरो आना है ना फिल्म में. हाँ, ये क्यों? आपको हीरो कास्ट करना है ना. अब वो भी उधर देख के आपको हीरो कास्ट करना. आना जी, आपसे तो बड़े लोगों को हुई होगी, लेकिन क्या वो ही बताने लगा हूँ, एक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? हेलो, ये तेरा कोई कौमी मसला है? यार मुझे लगता है बड़ी पेनफुल चीज है एक तरफा मोहब्बत. आपको कैसे लगता है? मैंने देखा है लोगों को हुई हुई, मेरे दोस्त अहबाब लोग करते हैं. आपको कभी नहीं हुई? नहीं, मुझे कभी हुआ हो आपको किसी से एक तरफा मोहब्बत होगी, आप उसके घर के बाहर जाके आपने गाड़ी पे गाड़ी के हॉर्न पे हाथ रख दिया और आप? यार वो पागलपन था. उसके बाद मुझे पागलों के डॉक्टर के पास जाने की ज्यादा जरूरत. अच्छा, हुआ क्या था? थोड़ा सा बता दे, बात खुली गई है तो. यार बताए बताए बताए. अच्छा, तो एक था रिलेशनशिप कह ले, तो उसमें हुआ कि कोई बहसबाजी हो गई और वो इंसान मेरा फोन नहीं उठा रहा था. ये बहुत पुरानी बात है. आप प्लीज, अभी मैं आपको बहुत पुराना जानता हूँ. क्या याद दिला दिया मैंने? तो क्या याद ही नहीं थी. अच्छा, तो अब आई एम अ चेंज्ड पर्सन. ओह नो, यू हैव इवॉल्वड, यू आर अ मैच्योर पर्सन. तो हुआ ये कि वो फोन नहीं उठा रहे थे साहब, तो फिर हम उनके घर के बाहर चले गए गाड़ी लेके और उनको फोन किया, वो फोन नहीं उठा रहे. तो गुस्सा इतना आ रहा था कि समझ नहीं आ रही थी क्या करूं, तो गाड़ी के हॉर्न पे हाथ रख दिया. अरे सुबह का वक्त था, आई एम श्योर, तो सब लोग सो रहे थे, तो दरवाजे खुलने शुरू हुए, गार्ड बाहर आने शुरू हुए, लोग बाहर आने शुरू. हाथ नहीं उठ रहा, हाथ नहीं उठ रहा हॉर्न से. okay. जब तक वो प्यारा बाहर नहीं आया. क्या फोन को गाड़ी से बह, तो मेरे साथ गाल कर, मसला की है. एनीवे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए. नहीं करना चाहिए, नहीं, लेकिन आप बचपने की बात है. बचपने की बात है, लेकिन कितनी खूबसूरत बात है. हाय, हमारे लिए भी काश किसी ने इतना लंबा हॉर्न बजाया. कोई नाराज है जिंदगी में जिससे मौका नहीं मिल रहा, जिसे आप कह नहीं पा रही, और आज अगर सामने वाले कैमरे में आप किसी से कुछ कहना चाहें? वैसे मेरी जिंदगी में ऐसा कोई है नहीं जिससे मेरी कोई नाराजगी हो. जिनसे कभी हुई भी तो मैंने उनसे माजरत कर ली, और आई एम ऑन गुड टर्म्स विद एवरीवन. विद एवरीवन? Yeah, so, किसी को कोई बात? किसी को कुछ नहीं. आई थिंक मैं अपनी अम्मी से कुछ जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि
वो एक सिंगल मदर रही हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स देखे हैं और कभी कभी हम उनकी जो भी स्ट्रगल है और सेक्रीफाइसेस हैं उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि आपको क्या पता हमारे साथ क्या हो रहा है। तो मैं बस उनसे ये कहना चाहूँगी कि मैं समझती हूँ आपको और मैं समझती हूँ कि आप कितना मुश्किल वक्त आपने देखा है, और मैं बस ये कहूँगी कि कभी कभी मैं नहीं समझ पाती, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। क्या है? नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं, आज तुम्हारा मुकाबला सख्त पड़ गया है। जी जी जी, आज आपसे भी बड़ी हाइट वाले लोग आए हुए हैं। किससे बात हो रही है? आ रही हो, बुलाओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, टैलेंटेड, टॉप मॉडल, अ वंडरफुल एक्ट्रेस, आमना लियास इज हियर। सब कुछ आपका जनाब। कोई अच्छा लगे तो उससे प्यार मत करना। कोई अच्छा लगे तो उससे प्यार मत करना, उसके लिए नींदें खराब मत करना। उसके लिए नींदें खराब मत करना। दो दिन तो वो आएगा खुशी से मिलने, दो दिन तो वो आएगा खुशी से मिलने, तीसरे दिन कहेगा इंतजार मत करना। आए! यही रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं आमना इलियास, और आप लोग देख रहे हैं क्या मजाक रात। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आई एम सो ग्लैड कि मैं आपकी शो पे आई हूँ, और आप मेरे फेवरेट एक्टर हैं। थैंक यू। और मैं आपका ड्रामा देखती रही हूँ नमक हराम। अच्छा। और माशाल्लाह आपकी एक्टिंग बहुत कमाल है। थैंक यू। और इसके अलावा मैम आमना इलियास, आप माशाल्लाह आपकी एक्टिंग, आपकी मॉडलिंग, मैं बहुत फैन हूँ आपकी। अरे क्या बात है भैया, क्या बात है। You are looking so gorgeous in this sari. Thank you. Sir, मैं एक सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ मैडम नूरजहान का। जरूर सुनाइए, सुनाइए, सुनाइए। जो ना मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है, जो चला गया मुझे छोड़ कर वही आज तक मेरे साथ है। जो ना मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है, जो चला गया मुझे छोड़ कर वही आज तक मेरे साथ है, जो न मिल सके वही। जी आप क्या कहना चाहती हैं? सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आए लिटरली मैंने जब से आपका एक ड्रामा देखा, कसम से मैं अभी बिलीव हो रहा है कि मैं आज कौन सा ड्रामा आपका रक्से बिस्मिल मैंने देखा, अभी रिसेंटली जो नमक हराम था मुरीद वाला ड्रामा वो भी मैंने देखा, इसके अलावा आपका एक और ड्रामा मैंने देखा था वो जो बहुत फेमस हुआ था भोले वाला। अच्छा जो सबसे ज्यादा फेमस था वो मैंने नहीं देखा। अच्छा, भोला नहीं देखा। वो नहीं मैंने देखा। अली फल्लाह और इंसान वो भी मैंने आपका देखा था, बदजात मैंने देखा था, उसमें जो आपका वली वाला करेक्टर था मुझे उससे बहुत मोहब्बत हुई है, और मूसा वाला जो आपका करेक्टर था। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अरूज है। एक तरफा मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं चलती अरूज। लिटरली मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है कसम से। अल्लाह आपको खुश रखे, खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। ये रोल इनको बाद में मिला, पहले बदजात ज़े थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस आमना कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं। इमरान साहब आप कैसे हैं? साहब तो पहले उधर ही ध्यान पे आ थोड़ा। क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली मैं मिस आमना का बहुत बड़ा फैन हूँ। आए आज तो आप बहुत ही कमाल की खूबसूरत लग रही हैं। कमाल की खूबसूरत।
तो जैसे आपको टीवी में देखते थे, मूवीज में देखते थे, लेकिन आज रियल में देख के वाकई आपको देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक सर। क्या नाम है? अली रजा सर। क्या कहना चाहते हैं सर? सर मैं एक सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। सुनाए। रब बिछड़ जावे कदी ओ यार तेरा, पता लग जाए बिछोड़ा की, तेनू कहना पे जाए दुनिया नू, माही बाज ना लगदा जी मेरा यार मिला, नीते मार मुका मैं इस दुनिया तो लेना की, और रबा दुखी दिल मेरा कदली बनाया है, जिदा ना इलाज कोई ओ यो रोग लाया, और रबा दुखी दिल मेरा। बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। बिना नी दिल लगदा मोहल्ले विचू कूच ना करी, तेनु तकिया बिना नी दिल लगदा मोहल्ले विचू कूच ना करी, तेनु तकिया बिना नी दिल लगदा मोहल्ले विचू कूच ना करी, देवा वास्ता ओ बीबा सुने रब दा मोहल्ले विचू कूच ना करी, तन तकिया बिना नी दिल लगदा मोहल्ले विचू कूच ना करी, वे माया मोहल्ले विचू कूच ना करी। क्या बात। Thank you, thank you, thank you very much, Amna. I hope ke you enjoyed. Yes, yes, thank you so much. And you are looking stunning. Pura Pakistan, puri duniya ye baat kehti hai. Aur mera khayal hai aap jaate hue agar khud ka sadqa deti bhi jaye to badi achhi baat hogi. Aap kuch kehna chahti hain? Main bas aap sab ka shukriya ada karna chahti hu. Itna pyar, itni mohabbat, itni izzat, uske liye bahut bahut thank you. Khush hai, khush hai, khush hai.